ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसा है जिसमें अपने पास ओपनिंग WIP भी है, बराबर, तो ओपनिंग WIP के केसेस में फ्रेंड्स अपने पास तीन सिचुएशन हो सकती हैं। एक अपन FIFO, इट मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो मशीन में था उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। देन आपका LIFO हो सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और तीसरा आपका वेटेड एवरेज हो सकता है। मैं एक एक सम को आपको तीनों मेथड से करके बताता हूं ताकि आपको एक क्लियर हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 to 2, सही है सुनो फ्रेंड, एक से दूसरे में क्या फर्क है वो भी आपको बराबर से देखने को मिल जाए, राइट। तो आप जरा रेफर करिए फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 41 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, ओके। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन अपन को दे रखा है 7.14 ऑफ सॉल्यूशन बुक, सही है सुनो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बुक और ये सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 41। एक बार अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2016। फरवरी 2016 का पोजीशन, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 1 to 2016, इट मीन दिस इज योर ओपनिंग WIP, आपका हो जाएगा 4000 यूनिट्स। ऑल मटेरियल यूज 25% कंप्लीट इन केस ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, इट मीन्स मटेरियल 100% कंप्लीट है एंड आपका लेबर एंड ओवरहेड इज 25%। न्यू यूनिट्स हम लोगों ने डाला है 16,000, इसका मतलब मिलके कितना हो गया 20,000, उसमें से आपका फिनिश गुड्स है, 14,000 और आपका क्लोजिंग WIP है 6,000। और क्लोजिंग WIP के बारे में बोला है मटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर एंड ओवरहेड 33 1/3% कंप्लीट, वर्क इन प्रोग्रेस 1 to 16, ये जो 4000 था उसका मटेरियल लेबर ओवरहेड का कॉस्ट है आपका 6 + 1 + 1, मीन्स ओपनिंग WIP का आपका कॉस्ट है 8,000 रुपीज, ओके। और कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ, है आपका मटेरियल 25,600, लेबर 15,000, ओवरहेड 15,000, दैट्स इट। प्रिज्यूमिंग दैट एवरेज मेथड इज यूज, एवरेज कॉस्ट आपको पूछा है, तो मैं पहले एवरेज से नहीं करता हूं, आई एम एज्यूमिंग सपोज द मेथड इज FIFO, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ योर कॉस्ट एंड प्रोसेस अकाउंट फॉर प्रोसेस ए। तो पहले आप वर्किंग लिख लीजिए, वही अपना सेम स्टाइल रखिए आप, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर वर्क नोट नंबर 1, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 41। सबसे पहले ओपनिंग WIP, दिस इज योर प्रोसेस ए, में देर इज ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP इज 4000 यूनिट्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल इज 100%, लेबर 25, ओवरहेड 25, देन देर इज ए इनपुट, व्हाट इज द इनपुट, इनपुट इज 16,000 यूनिट्स, मिलके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 20,000, ओके। अच्छा, इन लोगों ने क्या पूछा है, प्रज्यूमिंग दैट एवरेज मेथड इज यूज, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं आई एम सिखाने के लिए आपको ना, एज्यूमिंग FIFO इज यूज, अगर आपसे वेटेड एवरेज पूछा है तो आपको वेटेड एवरेज ही करना है, मैं ये सिखाने के लिए आपको कर रहा हूं कि इफ FIFO मेथड यूज, राइट, देर इज ए क्लोजिंग WIP आपको दे रखा है, इट मीन्स सबसे पहले अपन ने लिखा फिनिश्ड गुड्स एंड ये आपका क्लोजिंग
डब्ल्यू आई पी। फिनिश गुड्स आपका कितना है? 14,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है आपका 6,000 यूनिट्स। फीफो पहले हम किसको आउट करेंगे? ये 4,000 को, तो दिस इज योर फिनिश्ड गुड्स 1 एंड फिनिश्ड गुड्स 2। पहले 4,000 को आउट करेंगे एंड देन 10,000 को आउट करेंगे। मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड पहले से कंप्लीट था 100, तो 100 nil पहले से, इट मींस 75 एंड इट मींस 75। देन देयर इज ए क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, इट मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड 100, दिस इज 33 1/3 एंड 33 1/3। सही है, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आपको क्या दे रखा है? प्रोसेस ए, बोलो प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में दे दीजिए ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, क्यों? क्योंकि अपने को दे रखा 1 to 2016 को अपने को इनपुट दे रखा है 4,000। उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन है 100% मटेरियल, 25 लेबर, 25 ओवर है। उसके बाद हम लोगों ने इनपुट डाला है 16,000, मिलके हो गया 20। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में आउट हो रहा है 14,000, फिनिश गुड्स 1 4,000, मटेरियल 0, लेबर 75, ओवर है 75। फिनिश गुड्स 2 10,000, मटेरियल लेबर ओवर है, ये आपका हो जाएगा 100% एंड 100%। देन यू गो टू क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 6,000, मटेरियल लेबर ओवर है 100, 33 1/3। ये आपको बहुत समझना जरूरी है, लाइक सीक्वेंस कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, वो आपको बहुत ही तरीके से समझना जरूरी है। सही आसान है फ्रेंड्स, समझे या नहीं समझे? राइट, अब आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, विच मेथड वी आर फॉलोइंग? वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वी आर एज्यूमिंग, क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज कॉस्ट पूछा, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये फीफो होता तो क्या होता। तो एक एक सम को, एक एक क्वेश्चन को हमें तीन तीन मेथड से आपको करा देता हूँ, फीफो से क्या, लीफो से क्या, वेटेड एवरेज से क्या, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट मींस इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी। फर्स्ट ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, व्हाट इज योर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी? इज 4,000 यूनिट्स। देन इनपुट, इनपुट इज 16। देन फिनिश गुड्स 1, पहले ये 4,000 आउट होगा एंड देन फिनिश गुड्स 2, फिर हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमारा टोटल फिनिश गुड्स है 14,000 दे रखा है ना, यूनिट्स कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मीन्स फिनिश गुड्स। अब ये 4 यहाँ से लिया, तो इसमें मटेरियल तो लास्ट टाइम ही कंप्लीट हो गया था, लेबर कंप्लीट हुआ था 25%, राइट, लेबर हमारा कंप्लीट हुआ था 25%, इसका मतलब इस बार ले लेंगे 75 3,000, देन ये 100% 10,000, 100% 10,000 एंड 100% 10,000, देन
क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी प्रेज क्लोजिंग इन्वेंट्री 6000, 100% 6000, 33 वन थर्ड 2000, 33 वन थर्ड 2000, इट मीन्स इनपुट 20, आपका आउटपुट 20, दिस इज 16, दिस इज 15 एंड दिस इज, वी आर फॉलोइंग मेथड एंड मेथड इज ए FIFO. FIFO मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं. स्टेटमेंट शोइंग योर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बाय FIFO. इनपुट है पर्टिकुलर्स, आउटपुट सेम फॉर्मेट, मटेरियल क्वांटिटी एम पर लेबर परसेंटेज क्वांटिटी ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी 4000 इनपुट ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इनपुट फिनिश गुड्स पहले ये 4 निकल जाएगा, उसके बाद फिनिश गुड्स 2 आ जाएगा, उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है 20000 16 15 एंड 15. सही है, सुनो परफेक्टली क्लियर. उसके बाद आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर 2. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट. मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट. ओके, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट 25,600, 15,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 16, 15 एंड 15 एंड कॉस्ट पर यूनिट विल बी 25,600 डिवाइडेड बाय 16,000 इज 1.6 1 एंड 1. सही है सन ऑफ फ्रेंड्स. क्या हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. हम लोगों ने कितना मटेरियल डाला है, ये 25,600, 15,000, 15,000 और उसमें इस बार हमने डाला है ये कभी कौन से पीरियड का, 1st फेब टू 28 फेब के बीच में हम लोगों ने ये डाला है और उसमें हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है 16, 15. तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा 1.61. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारा हुआ है 16, 15 एंड 15. सही है सर. ओके, देन स्टेप नंबर 3, दिस इज योर स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट. सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स 1, योर ओपनिंग कॉस्ट आपका था, ओपनिंग कॉस्ट आपका आया 6000 फॉर मटेरियल, 1000 फॉर लेबर एंड 1000 फॉर ओवरहेड. दिस इज गिवन रुपीज 8000. सही है सुनो फ्रेंड. देन वी इंट्रोड्यूस लेबर, वी इंट्रोड्यूस ओवरहेड. ये पहले से जो कंप्लीट था, मटेरियल 100% कंप्लीट था उसका कॉस्ट ये, लेबर 25% कंप्लीट था उसका कॉस्ट ये, ओवरहेड 25% कंप्लीट था उसका कॉस्ट ये, है ना. फिर हम लोगों ने कितना इस बार डाला है, इस बार डाला हम लोगों ने 3000 लेबर एंड 3000 ओवरहेड और कॉस्ट पर यूनिट है 1, 1. इट मींस 3000
इट मीन्स 3000 एंड दिस कम्स टू 14,000। ये आपका ओपनिंग कॉस्ट था, ये हम लोगों ने और इंट्रोड्यूस किया। देन योर फिनिश गुड्स टू मटेरियल लेबर ओवरहेड कितना डाला है हम लोगों ने, 10,000 यूनिट्स। व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट, 1.6, 1 एंड 1, इट मीन्स 16,000, 10,000, 10,000, 36, इट मीन्स 1 प्लस 2, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी 14 प्लस 36 इज 50,000। देन देयर इज क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी मेटेरियल लेबर ओवरहेड, और योर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इज 6,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, योर कॉस्ट पर यूनिट विल बी 1.611, इट मीन्स 9600, 2000 एंड ये आपका टोटल मिल के आएगा 9600 प्लस 2 प्लस 2 इज 13,600। सही है, सो दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। पहला फिनिश गुड्स वन, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट आपको दे रखा, जो लास्ट टाइम आपका मटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर 25% कंप्लीट, ओवरहेड 25% कंप्लीट, उसका कॉस्ट आपको दे रखा है। जब किसी भी गुड्स को हम लोग कभी फिनिश गुड्स बोलेंगे व्हेन इट इज कंप्लीट, 100% मटेरियल, 100% लेबर एंड 100% ओवरहेड। तो 100% मटेरियल का कॉस्ट है तो मटेरियल का हम लोग नहीं डाल रहे, लेबर का 25 है तो लेबर का 75 का कॉस्ट और डाला, ओवरहेड 25 है तो ओवरहेड का 25 का, ये आपका टोटल। देन फिनिश गुड्स टू, 36 प्लस 14 50,000 एंड देन देयर इज ए क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 13,600। सही है, एंड देन प्रॉपर परफेक्टली क्लियर, नो कन्फ्यूजन। देन यू गो टू स्टेप नंबर 4, दिस इज योर प्रोसेस ए अकाउंट। टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, टू मेटेरियल, टू लेबर एंड टू ओवरहेड। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 4,000, this is 8,000, 25,600, 15,000 and 15,000 by finished goods by closing WIP। हम लोगों ने कितना डाला था, 16 मिलके 20, ये 20, 8, 25, 600, 15 एंड 15 इज 63,600, 14,000, 6,000, ओके 14 का क्या कॉस्ट था 50 और 13,600, 50,000, 13,600 and 63. This is if the method is FIFO. अगर आप FIFO method है तो आपका cost क्या आएगा, आपका cost आएगा finish goods का is a 50,000। सही है, सुना 63। अब
आगे थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, और एक सम ले लो आप, है ना। तो क्वेश्चन फोर आप लो तो आपका और थोड़ा फीफो क्लियर होगा। एक बार फीफो में मास्टरी आ जाएगी फिर अपन आगे चलेंगे। सही है सर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर 42। दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर 42। और आपका सॉल्यूशन बुक में है क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर 7.16। एंड दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक। सही है, परफेक्टली क्लियर। बोलो फ्रेंड्स, ऑल राइट? ठीक है, देखो जरा आप क्या दे रखा है क्वेश्चन फोर में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू कलर लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑन फर्स्ट मार्च इज ₹4 पर यूनिट, 200 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, लेबर एंड ओवरहेड 40% है, मटेरियल 100% है। इंट्रोड्यूस 1050, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100, क्लोजिंग WIP 31 मार्च को 150 है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, लेबर एंड ओवरहेड 70%। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस इज गिवन, मटेरियल कॉस्ट 3150, लेबर कॉस्ट 4500 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड 2250। कैसा भी क्वेश्चन दे के रखेगा, किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन दे रखेगा, हमको क्या करना है, हमको अरेंज करना है अपने फॉर्मेट के हिसाब से। ओके, इट मीन्स दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर वन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर 42, और इसमें वी आर एज्यूमिंग फीफो इज द मेथड। तो इनपुट में अपने को ओपनिंग WIP दे रखा है। व्हाट इज द ओपनिंग WIP? इज 200, एंड वो क्या लेवल था, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल 100% कंप्लीट था, लेबर एंड ओवरहेड 40 एंड 40। देन देयर इज ए इनपुट, इनपुट है हमारे पास, फ्रेश इनपुट है 1050, टोटल मिलके 1250। सही है सोना फ्रेंड्स, एकदम क्लियर है? बोलो आप सही है सोनो फ्रेंड्स। ओपनिंग WIP 200, इनपुट इज 1050, राइट। अब ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100, मींस योर फिनिश्ड गुड्स इज 1100 यूनिट्स। आपका क्लोजिंग WIP होना चाहिए, क्लोजिंग WIP आपका होना चाहिए 150, और 150 ही है। तो देर इज नो एबनॉर्मल लॉस, देर इज नो नॉर्मल लॉस। इनपुट, इनपुट आपको क्या दे रखा है देख लीजिए आप। इनपुट वर्किंग नोट नंबर वन, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर 42। इनपुट, इनपुट ओपनिंग WIP 200, मेटल 100%, 40%, 40। इनपुट हम लोगों ने डाला 1050 टोटल। अब 1250 में से फिनिश गुड्स बन गया 1100 एंड क्लोजिंग WIP 150। सही है, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि फीफो इज द मेथड। उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन के बारे में, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि फीफो इज द मेथड। फिर मैं आपको सब बताऊंगा कि अगर नहीं दे रखा तो क्या करने का। प्रीवियस सम में तो उन लोगों ने पूछा था वेटेड एवरेज से कैसे होगा, यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है करके ना, तो अपन कैसे करेंगे। अब फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कैसे आउट होगा, इट मीन्स दिस इज योर फिनिश
फिनिश गुड्स वन एंड फिनिश गुड्स टू। फिनिश गुड्स वन आपका 200 यूनिट्स आउट हो जाएगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड नील 60%। फिनिश गुड्स टू 200 आपका आउट हो गया टोटल, इट मीन्स आपका टोटल सही आंसर ना फ्रेंड्स, इट मीन्स 900 कहाँ से जाएगा, करंट में से, इट मीन्स मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 100% एंड 100%। देन क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी मटेरियल लेबर ओवरहेड, व्हाट इज द क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इज 100% मटेरियल 70% लेबर एंड 70% ओवरहेड। सही आंसर ऑप्शंस। फीफो मेथड है तो पहले आपका ये 200 आउट होगा, 200 में मटेरियल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेबर 40 हुआ है लास्ट टाइम तो 60% अभी होगा, लास्ट टाइम 40 हुआ है तो 60 अभी होगा, तो ये आपका 200 यूनिट्स आपका आउट हो गया। हमको टोटल फिनिश गुड्स चाहिए 1100, 11 में से 200 निकल गया, इसका मतलब कितना बचा 900 मीन्स मटेरियल लेबर ओवर है 100। देन क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 170। सही है सुनो फ्रेंड, देन दिस इज योर स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कौन सा मेथड है? FIFO is the method. It means input particulars, output material, labor overhead, percentage, quantity. सबसे पहले opening WIP 200 यूनिट्स, इनपुट 1050, फिनिश गुड्स 1, पहले ये 200 आउट हो जाएंगी, मटेरियल नील, लेबर एंड ओवरहेड पहले से कंप्लीट था आपका 40%, इट मींस 60% 120 60% 120। देन फिनिश गुड्स 2 900 100% 900 100% 900 100% 900। देन देयर इज ए क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 150 100% 150 70% 105 70% 1250 120 + 900 + 105 = 1125 परफेक्टली क्लियर हो नोट फ्रेंड्स, बोलिए। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Okay, then you go step number 2 statement showing cost per unit, मटेरियल लेबर ओवरहेड, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट?
3150 4500 2250 डिवाइडेड बाय 1050 1125 1150 डिवाइडेड बाय 1050 3 rupees पर यूनिट 4500 डिवाइडेड बाय 1125 4 rupees 2250 डिवाइडेड बाय 1125 2 rupees सही आंसर होगा। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास सॉल्यूशन तो सब दे ही रखा है, जब सॉल्यूशन दे रखा है तो कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास सॉल्यूशन है, जस्ट आप इसको कॉपी करते जाइए, राइट। तो आपको लिखा हुआ तो है, सब प्रिंट किया हुआ है, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि मैं कैसे क्या। और हम लोग पहले एज्यूम करके चल रहे हैं कि मेथड इज फीफो, ये क्वेश्चन में उन लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कौन सा मेथड है क्या है करके, ना कौन सा मेथड है क्या है उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं, ओके तो नहीं बोला है क्या करना है कैसे करना है, वो बात की बात है। पहले आप ये सोचिए कि अगर ये फीफो से बोलेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर वो लोग बोलते हैं कि इफ द मेथड इज फीफो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब आप आ जाइए, सबसे पहले दिस इज योर स्टेप नंबर 3। Statement showing valuation of output. Finished goods. 1. Quantity. Cost per unit, total. सबसे पहले opening cost, बराबर है फ्रेंड्स। opening cost आपका क्या था, 200 into 4 rupees per unit, 800. लेकिन इसमें only material 100% था, ओपनिंग कॉस्ट में मटेरियल 100% था, लेबर 40% एंड ओवरहेड 40%। इसका मतलब बाकी का 60-60 तो ऐड करना पड़ेगा ना अपने को, लेबर एंड ओवरहेड, तभी तो ये फिनिश गुड्स बनेगा। कोई भी गुड्स आपका फिनिश गुड्स कब बनेगा, मटेरियल 100%, लेबर 100%, ओवरहेड 100%। और मटेरियल 100% तो पहले से ही कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम। लेबर खोली 40 था, ओवरहेड 40 था, बस 60 का कॉस्ट तो और डालना पड़ेगा ना, तभी तो ये 100-100 होगा ना फ्रेंड, सही या सुनो, तभी तो ये 100-100 होगा, सही या सुनो। इट मीन्स एड द कॉस्ट ऑफ लेबर, द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, कितनी यूनिट्स है, इट मीन्स आपका लेबर एंड ओवरहेड, इट मीन्स 120 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स, और आपका कॉस्ट पर यूनिट है 4 एंड 2, 480 एंड 240, 800, 480, 240 इज 1520, देन फिनिश गुड्स 2, मेटेरियल लेबर ओवरहेड, और इधर फिनिश गुड्स 2 कितना हो जाएगा आपका, 900, 900, 900, व्हाट इज द रेट इज 3, 4 एंड 2, 2700, 3600, 2700, 3600, 1800 इज 8100 कॉस्ट।
कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 1 + 2 इज 1520 इज 9620, देन क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी मटेरियल लेबर ओवरहेड. व्हाट इज द क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इज 150 क्वांटिटी 105 इंटू 342 150 इंटू 3 450 105 इंटू 4 420 105 इंटू 2 210 कॉस्ट 450 420 210 is 108. See here. ये आपको क्लियर हुआ कि आपका वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स हो गया. उसके बाद आपको प्रोसेस देखूंगा. बोलो ये वाला आपको पार्ट क्लियर हुआ कि 140 और 40 का कॉस्ट दे रखा है 800. किसी भी गुड्स को हम लोग फिनिश गुड्स कब बोलेंगे, 100% इन केस ऑफ मटेरियल, 100 लेबर, 100 ओवर है, 120 4 एंड 2 480 से यस. देन यू गो टू योर स्टेप नंबर 4 एंड दिस इज योर प्रोसेस अकाउंट. सही है सर, आपका क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोसेस अकाउंट. ठीक है, टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 200 इंटू 4 800, टू मटेरियल, टू लेबर एंड टू ओवरहेड बाय फिनिश गुड्स अकाउंट बाय डब्ल्यू आई पी अकाउंट. इनपुट हम लोगों ने कितना डाला है फ्रेंड्स, 1050. उसका कॉस्ट एंड 3150, लेबर कॉस्ट 4500, ओवरहेड कॉस्ट 2250. से यस बाय फिनिश गुड्स, 1100, डब्ल्यू आई पी 150, क्या था 9620 एंड 1080, 9620 1080, 9620 प्लस 1080. सही है सुनो, 9620 1080 10700, 1100, 150, 1250, 1250, 800, 3150, 4500, 2250, 2250. ये आपका कौन सा मेथड चल रहा है, इफ द मेथड इज फीफो. आपका कौन सा मेथड चल रहा है फ्रेंड्स, बोलो, इफ द मेथड इज फीफो. आपको कुछ लिखने के सब कुछ तो दे रखा है मैंने, को आपको प्रिंट करके सब आपको दे रखा है, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट करके ना, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके कंसेप्ट को समझना है करके ना, आप पूरा टाइम कंसेप्ट को समझने में लगाइए. सही है सुनो फ्रेंड्स, पूरा टाइम आप किस में लगाइए, कंसेप्ट को समझने में आप पूरा टाइम लगाइए. सही है सुनो, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स
पहले मैं आपको सारे फीफो से करा देता हूँ, फिर लीफो से, फिर वेटेड एवरेज, फिर कौन सा कहाँ नहीं लग सकता है वो सब मैं आपको सिखा देता हूँ, कौन सा मेथड कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा सब कुछ मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप आ जाइए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 42 इन क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन बुक में क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 42 एंड सॉल्यूशन में है आपका क्वेश्चन 5 पेज नंबर 7.18 एंड दिस इज इन सॉल्यूशन बुक। सॉल्यूशन में ये है, क्वेश्चन में ये है, सही है सर, परफेक्टली क्लियर। अब आप आ जाइए, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, सब देख लीजिए। ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स, मेटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर 60%, ओवरहेड 60%, यूनिट्स इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस 8000, देयर आर 2000 इन प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ कंप्लीट इज मेटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%, 8000 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस कॉस्ट फॉर द पीरियड 95000, मेटेरियल लेबर 60 एंड ओवरहेड 30, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर्ड एंड क्लोजिंग WIP यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। प्लीज अंडरलाइन आप करिए एवरेज, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज ए फीफो मेथड। एक एक क्वेश्चन को मैं ऑल थ्री मेथड से आपको करके बताता हूँ कि फीफो से होगा तो क्या, लीफो से होगा तो क्या, वेटेड एवरेज से होगा तो क्या, उसके आंसर आएंगे। I'm assuming FIFO, LIFO and weighted average. We are doing question number 5 and your page number 42. Question 5, page number 42. सही है सर, कौन सा मेथड हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, FIFO। अब आप आ जाइए, अरेंज करिए। सबसे पहले आपको दे रखा है ओपनिंग WIP एंड योर ओपनिंग WIP इज 2000 यूनिट्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड कंप्लीशन है 100%, 50% एंड 50%। 100% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 50 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 50 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स, मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड, देन देयर इज ए इनपुट। व्हाट इज द इनपुट, इनपुट इज 8000 यूनिट्स, 10000 यूनिट्स, 8000 यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट, इसका मतलब आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस टू। ओपनिंग WIP 2000 आपको दे रखा है, मेटेरियल का कॉस्ट 5000, ओके 8000। अब आपका कैसे आएगा, अगर आपको देखना है कि सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम किसको आउट करेंगे, फिनिश गुड्स 1 फिनिश गुड्स 2 2000, 6000,
मटेरियल लेबर ओवरहेड पहले से कितना कंप्लीट था 100 तो 0, पहले से कितना कंप्लीट था 50 तो 50%, पहले से कितना कंप्लीट था 50 तो 50%। दिस इज मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 100% एंड 100%। देन देयर इज ए क्लोजिंग WIP 2000 मटेरियल लेबर ओवरहेड। क्या बोल रहा है अपने को मटेरियल लेबर ओवरहेड? क्लोजिंग WIP इज 150 50 नहीं, ओपनिंग WIP पहले से कंप्लीट था, ओपनिंग WIP पहले से कंप्लीट था 160 and 60, इट मीन्स मेटेरियल नील दिस टाइम 40 and 40, क्लोजिंग WIP 150 and 50। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ओपनिंग वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ओपनिंग अपने को दे रखा है WIP 2000, लेवल ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100, लेबर 60, ओवरहेड 60। देन देर इज ए यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन टू द प्रोसेस इज 8000, टोटल मिलके 10000, 10 में से आपका फिनिश गुड्स आउट हो रहा है 8000 एंड वी आर एज्यूमिंग दिस इज ए फीफो मेथड। सो पहले हम लोग को क्या आउट करना पड़ेगा, ये 2000, ये 2000 किया, किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स कब बोल सकते हैं? मटेरियल 100%, लेबर 100%, ओवर 100, ये 100 था, ये 100 हो गया नील, ये 60 था 100 मीन्स 40, ये 60 था 100 मीन्स 40, फिनिश गुड्स टू 6000, 100, 100, 100, क्लोजिंग WIP 2000, 100, 50, सही है सब, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है। देन यू गो, इट मीन्स योर स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, विच मेथड वी आर फॉलोइंग? वी आर फॉलोइंग फीफो इज द मेथड। इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी ओपनिंग WIP, व्हाट इज योर ओपनिंग WIP 2000, व्हाट इज योर इनपुट 8000, व्हाट इज योर ओपनिंग WIP 2000, व्हाट इज योर इनपुट 8000, फर्स्ट फिनिश गुड्स 1 2000, मटेरियल नील पहले से कंप्लीट था, ये 40% 800, 40% 800, finished goods 2 6000, 100% 100% 100%, then there is a closing WIP 2000, 100%, 2000, 50%, 1000 and 50%, 1000. We are assuming method is FIFO. उन लोगों ने weighted average से पूछा है, लेकिन हम लोग क्या assume कर रहे हैं? Method is FIFO. 10,000, 10,000,
8000 7800 7800 सही है, क्लियर देन स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट showing cost per unit, total cost, equivalent production cost per unit, material, labor, overhead. सही है, इस बार हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को बनाने में हम लोगों ने क्या खर्चा किया, ये प्रोडक्ट को बनाने में हम लोगों ने 95 मटेरियल में पे किया, 60 लेबर में पे किया और 30 ओवरहेड में पे किया. उसमें मेरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन के आया है 8000 7800 7800. इट मीन्स 95 डिवाइडेड बाई 8000 इज 11.875. 60 डिवाइडेड बाई 7800 7.69 आ रहा है, तो हम लोगों ने 7 ले लिया. एंड 30,000 डिवाइडेड बाय 7800 आपका आ रहा है 3.84, हम लोगों ने 3.85 ले लिया. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बोलो, एकदम क्लियर हुआ? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इस बार का हमारा, इस महीने में हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये हुआ और उसके लिए हम लोगों ने ये खर्चा किया, तो व्हाट इज अवर कॉस्ट पर यूनिट? द कॉस्ट पर यूनिट इज दिस दिस एंड व्हाट इज अवर कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट पर यूनिट इज दिस दिस एंड दिस. सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर? ठीक है, देन यू गो टू योर स्टेप नंबर 3. Statement showing valuation of output. This is your finished goods 1, quantity, cost per unit, total finished goods 1. सही है, सुनो फ्रेंड्स, finished goods 1 का क्या कॉस्ट था? ओपनिंग कॉस्ट था 9500. ओपनिंग कॉस्ट में क्या क्या था? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. 100% मटेरियल गया आपका, लेबर 60, ओवरहेड 60. इसका मतलब अब इसको कोई भी गुड्स को फिनिश गुड्स कब बोलेंगे? 100% तीनों होना चाहिए, इसका मतलब 40% का कॉस्ट और ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 100 100 होंगे. 100 100 100 से समझे कि नहीं फ्रेंड्स? बोलो यस और नो. इट मींस ऐड कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कितना हो जाएगा? 2000. इट मींस 800 and 800. योर कॉस्ट पर यूनिट इज 7.7 3.85.
सही है सर, दिस इज योर फिनिश गुड्स वन का कॉस्ट, जो 2000 यूनिट आपकी बाहर निकली है उनका कॉस्ट, ये पहले से कंप्लीट था 100 60 60, इस बार कंप्लीट किया 40 40, ये 40 40 का कॉस्ट और ऐड कर दिया। इस कॉस्ट में 9500 इसका कॉस्ट था बराबर, और इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट और अपन ने ऐड कर दिया लेबर का ओवरहेड का। देन यू गो टू फिनिश्ड गुड्स टू मटेरियल, मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल 6000 and 6000 into what is the cost of material 11.875 7.7 6000 into 11.875 is 71,250. 6000 into 7.7 is 46,200. 6000 into 3.85 is 23,100. 71,250 46,200 1,40,500 total cost of finished goods 1 + 2 18,740 159,290 159,290 means this plus this. This is the cost of 1 and this is the cost of 2. So 1 plus 2 ka cost. Then closing WIP material labor overhead 2000. Closing WIP 2000, 1000. 11.875 7.7 3.8 2000 into 11.875 23,750 7700 3850 total will be 23,750 7700 3850 35,300 एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो ना, फीफो से ही मैंने ये तीनों, अभी इन्हीं तीनों को लीफो से करूंगा, इन्हीं तीनों को वेटेड एवरेज से करूंगा, तो आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीफो टू लीफो, लीफो टू वेटेड एवरेज, एंड कौन सा कहां अप्लाई हो सकता है, कौन सा कहां अप्लाई नहीं होगा। एंड लीफो इज देयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लीफो नहीं है लेकिन कॉस्टिंग में इज देयर। आप मटेरियल टॉपिक भी देखो, आप प्रोसेस कॉस्टिंग देखो, तो लीफो इज देयर करके ना। आर यू फॉलोइंग नॉट फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर ये? अब अगर आपका प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं होता तो इसको यू कैन टेक एज ए बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में ड्यू टू ये फ्रैक्शन अपना आया था ना, फ्रैक्शन कॉस्ट पर यूनिट में ये जो फ्रैक्शन आया है ना, इसकी वजह से हो सकता है अपना अकाउंट टैली नहीं होगा, तो प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं होगा तो क्या कर लेंगे इस करके ना, इट मींस स्टेप नंबर प्रोसेस अकाउंट बराबर क्या बोल रहे हैं, this is
ये जो अपना फिनिश गुड्स बना है इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस। बट कब करेंगे, जब हमारा फिनिश गुड्स बन के तैयार हो जाएगा। टू ओपनिंग WIP, टू मेटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। ओके, व्हाट इज द ओपनिंग WIP? 2000, कॉस्ट 9500, इनपुट 8000, कॉस्ट 95, कॉस्ट 60 एंड कॉस्ट 30। बाय फिनिश गुड्स अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख दो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस 8000 बाय क्लोजिंग WIP इज बैलेंसिंग फिगर 1000। इट मीन्स 9500, 95, 60, 30 इज 194, 500 फिनिश गुड्स का अपना वैल्यूएशन था 159,290, और इसको अपन ले लेंगे एज ए बैलेंसिंग फिगर 10,000, 194, 500 माइनस 159,290 इज 35,210। ऐसे अगर अपन देखने जाएंगे तो अपने को ये आ रहा है 35,300, बट आपने को प्रोसेस अकाउंट टैली करना है। और ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे राउंड ऑफ करके ले लिया ना फिगर। अप टू 10 डिजिट तक लेंगे तो अपने को सेम आएगा करके ना। ओके, ऑलराइट, सो दिस कम्स टू 194,500। ये आपका था कौन सा मेथड, इज ए फीफो मेथड। सही आंसर ना। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन को आपको लेके चलता हूं कि सपोज इफ द मेथड इज लीफो, इफ द मेथड इज वेटेड एवरेज, व्हाट इज द डिफरेंस, कौन सा कहां लगेगा, क्यों लगेगा, वो जरा देख लीजिए। राइट, वापस से आ जाइए आप, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 41 इन क्वेश्चन बुक। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 7.21 इन सॉल्यूशन बुक। और अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मेथड इज लीफो। उन लोगों ने तो वेटेड एवरेज से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे को आपको सब सिखाना है, फीफो में क्या था, लीफो में क्या है, वेटेड एवरेज में कहाँ है, तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा कहाँ लगेगा, क्या होगा, वो मेरे को सब आपको सिखाना। सही है सुनो फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप आ जाइए, इफ द मेथड इज लीफो। सही है सुनो, इट मीन्स एज्यूमिंग मेथड इज लीफ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 41। फर्स्ट ओपनिंग WIP, व्हाट इज द ओपनिंग WIP इज 4000 यूनिट्स। राइट, देख लो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2016, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, यूनिट्स इन प्रोसेस, फर्स्ट फेब को अपने पास है 4000,
ऑल मटेरियल कंप्लीट, 25% कंप्लीट इन केस ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस, यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स इन प्रोसेस, ऑल मटेरियल यूज 33⅓ कंप्लीट इन केस ऑफ लेबर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, WIP मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवर, प्रज्यूमिंग दैट द एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड। हमको एवरेज नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, लिफो मेथड। ओके, ओपनिंग WIP 4, सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, राइट, मटेरियल लेबर ओवरहेड, इसी से एग्जामिनर को पता चलेगा ना यार श्रमदानी की कॉस्टिंग सही आसन हो रहा है, राइट। क्या कंप्लीट था बहुत ध्यान से देखना जरा, 125 and 25, देन there is a input, input आपका कितना है 16,000, मिलके क्या हो गया 20,000। अब आपको कौन सा मेथड चाहिए, इजो लीफो इज द मेथड वी आर फॉलोइंग, लीफो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग, लीफो इज आवर मेथड, लीफो इज आवर मेथड, फर्स्ट फिनिश गुड्स, कितना फिनिश गुड्स है 14,000, पूरा की पूरा कहां से चला जाएगा, नए वाले इनपुट से, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही, ड्यूरिंग द मंथ ही ये कंप्लीट हुआ, इट मीन्स मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% एंड 100%। ये कहां से, जो करंट इनपुट है उससे, लिफो मीन्स क्या है, लिफो मीन्स क्या है, लिफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मीन्स योर लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, लास्ट आपका ये 14 निकल गया, नाउ देयर इज ए क्लोजिंग WIP, व्हाट इज योर क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP इज 6,000 यूनिट्स, और उसके बारे में क्या बोल रहा है, मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 100%, 33⅓%, अब दिस इज क्लोजिंग WIP न्यू एंड क्लोजिंग WIP ओल्ड। पहले क्लोजिंग WIP मीन्स 16 डाला था हम लोगों ने इनपुट, 16 में से 14 आपका आउटपुट निकल गया, इसका मतलब क्लोजिंग WIP कितना हो गया 2000, ये तो नया वाला हो गया, और ये जो पुराना 4000 था वो एज इट इज रहेगा। बहुत ध्यान से सुनो जरा, सही है, सुनो फ्रेंड्स, ये जरा बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से दिमाग में आपको डालना है। दिस इज योर ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP इज 4000, इनपुट इनपुट 16 टोटल हो गया, ओपनिंग का लेबर ऑफ कंप्लीशन मटेरियल लेबर ओवरहेड 100, 25, 25, फिनिश गुड्स कितना निकल गया 14,000, तो यहां से जाएगा आपका 100%, 100%, 100%, फिर 2,000 इसमें से बच गया, फिर ये 4,000 आपका आ गया। सुनो फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए, अब ये नया WIP है, उसका तो सेम परसेंटेज ले लेंगे अपन, मटेरियल लेबर ओवर है 100%, 33⅓% और 33, क्योंकि ये तो अभी बना है ना, ये तो करंट में बना है, तो ये एज इट इज, ये पहला जो था 4000, ये जो पहला था 4000 वही आपका क्लोजिंग बन गया, ये वाला जो ओपनिंग है वही आपका क्लोजिंग। अब ओपनिंग में कितना कंप्लीट था, इट मींस ओपनिंग में कंप्लीट था मटेरियल लेबर ओवरहेड ओपनिंग में 100, और क्लोजिंग में कितना है 100, तो 100 माइनस 100 क्या आएगा 0। ओपनिंग में कितना था 25, क्लोजिंग में कितना हुआ 33, इसका मतलब 8 पॉइंट, बहुत ध्यान से, और 8 पॉइंट, ये 4000 ही तो ये बन गया ना अभी, देखो ये 16 हम लोगों ने इनपुट डाला है, उसमें से 14 तो निकल गया बाहर, बचा दो, तो दो WIP बन गया, तो ये तो नया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड जो 4000 था, ओल्ड 4000 क्या था, मेटेरियल 100%, लेबर 25, ओवरहेड 25, एंड में क्या हो गया 100, 33, 33, तो 100 माइनस 100 जीरो, 20,
8.33 एंड दिस सही है सोना फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स आपका ओपनिंग जो था वो अब आपका क्लोजिंग बन गया, तो पहले से कंप्लीट था 125 25, एंड में हो गया 100 33 33, तो 100 माइनस 100 आपका क्या आएगा जीरो, 25 33 डिफरेंसेस 8.33 25 33, तो दिस इज लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो में हमने पहले 4000 को कंप्लीट किया था फिर 16 से लिया, यहां पर लिफो है पहले 16 से लेंगे फिर 4 से लेंगे, सही है सुना प्रॉपर है। अब जी ये वर्किंग अगर क्लियर हो गया तो देन स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट showing equivalent production step number 1 step number 1 statement showing equivalent production input particulars output material लेबर ओवरहेड परसेंटेज 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 ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इनपुट इनपुट फिनिश गुड्स 14, तो पहले यहां से चला जाएगा 14 पूरा 14 100% 14 100% 14 एंड 100% 14 देन क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी न्यू 2000 100% 2000 33 1 3rd 667 33 1 3rd closing WIP old 4000 पहले से मेटेरियल 100% 100% लेबर पहले से 25 अभी 33 means 8.33 and 4000 into 8.33% 333 total 20 16 15 स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल लेबर ओवरहेड 25,600 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ₹25,600 / ₹16,000 is 0.61 सही आंसर। दिस वी आर डूइंग बाय लीफो इज द मेथड, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले यहां से 16 से गया फिर 16 में से 14 गया तो 2000 क्लोजिंग WIP बच गया,
16 में से 14 तो फिनिश गुड्स हो गया, तो 2000 आपका क्या हो गया, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी न्यू वाला। और ये 4 जो पहले से पड़ा था वो एज इट इज आपका 4, आपका एज इट इज 4 है। यस फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, एज इट इज 4 है, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर, नो कन्फ्यूजन, बोलो आपको एकदम क्लियर हो रहा है, अब आ जाइए। देन स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। फिनिश गुड्स quantity, cost per unit, total, material, labor, overall, सब कुछ तो आपको दे ही रखा है राइट, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको दे रखा है राइट। इट मीन्स 14,000 इंटू जो कॉस्ट पर यूनिट इज 1.61 14,000 22,400 plus 14 is 50,400. Then क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी न्यू मेटेरियल लेबर ओवर है 2,667,667, 1.611, 32,667, 3,200,667,667 is 4,534. Then closing WIP old. Old ka opening cost is given. Old ka opening cost 6,000, 1,000, 1,000. 6,000 plus 1,000 is 8,000 labor and overhead 333 labor and overhead 333 into 11,333,333 means 8,333,333,8,666. Say yes or no. ये हम लोग क्या कर रहे हैं एज पर लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, पहला वाला ये कंप्लीट होगा, पहले ये कंप्लीट होता था फिर हम यहां से लेते थे। लीफो में क्या है, पहले ये कंप्लीट होगा फिर हम यहां से लेंगे। सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके अब आप आ जाइए स्टेप नंबर 4, ये प्रोसेस अकाउंट, स्टेप नंबर 4 इज इट प्रोसेस अकाउंट।
ओपनिंग डब्ल्यू आई पी टू मेटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड बाय फिनिश गुड्स बाय ऑल राइट ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 4000 कॉस्ट 8000 16000 25600 15 finished goods 14000 6000 total 20. What is the finished goods ka cost is 50,400 and what is the WIP ka cost is 4534 8666 4534 plus 8666 is 13,200. 5400 plus 13,200 is 63,600. It means 8 plus 25,600 plus 15 plus. This is as per the LIFO method. एक एक लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक एक सम को मैं तीन तीन मेथड से आपको कराऊंगा क्योंकि मुझे आपको एकदम ब्रिलियंट बनाना है इसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग के, कहीं पे भी आप रुको नहीं, ऐसा मुझे परफेक्टली करना है, आपको एकदम परफेक्टली मजा आ जाए ऐसा मुझे करना है। सही आसान फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 योर पेज नंबर 42 फ्रॉम क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन नंबर 4 7.23 इज फ्रॉम सॉल्यूशन book and now we are assuming method is LIFO last in first out। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, पहले आप डिफरेंस समझो फीफो से क्या था, लीफो से क्या था, वेटेड एवरेज से क्या था, पहले आप पूरा डिफरेंस समझ लो उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर, देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू कलर लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक था अपना 1 मार्च को 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड 40%। इंट्रोड्यूस किया 1050, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100, क्लोजिंग स्टॉक 150, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, लेबर एंड ओवरहेड 70। किसी भी गुड्स को कब डब्ल्यू आई पी बोलेंगे, अगर वो 100 नहीं है तो करके ना। एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस अकाउंट, मटेरियल लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट एंड। आपको जाना है सेम फॉर्मेट से, आपको फॉलो करना है। इट मीन्स यू गो, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोसेस इनपुट ओपनिंग डब्ल्यू आई पी
ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज 200 यूनिट्स, मेटेरियल लेबर ओवरहेड 200 में क्या कंप्लीट था, 100%, 40% एंड 40%, देन देर इज ए करेंट इनपुट 1050 मिलके 1250 माउंट. विच मेथड वी आर फॉलोइंग, वी आर एज्यूमिंग दिस इज ए लीफो मेथड. अब अपने को फिनिश गुड चाहिए 1100, इट मीन्स फिनिश्ड गुड्स इज 1100 यूनिट्स. विच मेथड वी आर फॉलोइंग, वी आर फॉलोइंग लीफो. विच मेथड वी आर फॉलोइंग, वी आर फॉलोइंग लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले लास्ट इन आपका क्या चला जाएगा, इट मीन्स दिस इज योर फिनिश गुड्स वन इज 1050, मेटेरियल लेबर ओवरहेड 100%, 100% एंड 100%. मेटेरियल लेबर ओवरहेड आपका क्या हो जाएगा, 100%, 100% एंड 100%. देन यू गो टू फिनिश गुड्स टू 50 कहां से लेना पड़ेगा, फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यू आई. अब ओपनिंग डब्ल्यू आई पी में मेटेरियल लेबर ओवरहेड, मेटेरियल तो पहले से ही कंप्लीट है तो इस बार कुछ प्रोडक्शन नहीं करना है. लेबर कितना था 40, तो 60%. ओवरहेड कितना था 60%. देन देयर इज ए क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी. क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी में क्या बोल रहा है, वो लेवल ऑफ कंप्लीशन, मेटेरियल लेबर ओवरहेड. क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी में बोल रहा है मेटेरियल लेबर ओवरहेड 100, 70 एंड 70. इसका मतलब 100 माइनस 100 0, 40 70 30% 70 40. ये आपको क्लियर हुआ. वर्किंग नोट नंबर वन, प्रोसेस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 100 40 40, देन इनपुट 1050 मिलके क्या हो जाएगा 1250. फिनिश गुड्स 1100 यूनिट्स, फिनिश गुड्स 1050, मेटेरियल लेबर ओवरहेड. फिनिश गुड्स 250, मेटेरियल लेबर ओवरहेड. क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी मेटेरियल लेबर ओवरहेड 0, 30. परफेक्टली क्लियर. अब आप जाइए, इट मीन्स दिस इज योर स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड योर मेथड इज लीफो. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, योर मेथड इज लीफो. इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी. ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, व्हाट इज योर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज 200, इनपुट 1050, फिनिश गुड्स 1. ये 1100 अपना फिनिश गुड्स है तो पहले पूरा निकल जाएगा 1050, 100% 1050, 100% 1050 एंड 100% 10. देन फिनिश गुड्स 250, नील नील. पहले से कंप्लीट कितना था 40, मीन 60% 30 एंड 60% इज 30. सही यस नो, बोलो यस नो. ठीक है, अब अपना बचा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी
150, क्लोजिंग WIP 150 nil, पहले 40 था अब 70 हो गया 30%, इट मीन्स टोटल वन जीरो फाइव जीरो प्लस 30 प्लस 45 इज 1120. सही है सुनो, बिकॉज वी आर फॉलोइंग विच मेथड वी आर फॉलोइंग, वी आर फॉलोइंग लीफो इज द मेथड. पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट जो इन है वो निकल जाएगा, फिर हमको टोटल 1100 बनाना है, तो 50 हम यहां से लेंगे और बाकी का ये जो 200 है उसमें से 150 आपका क्या बन जाएगा, क्लोजिंग WIP. क्लोजिंग WIP में मटेरियल तो पहले से 100% था, अभी भी 100 है, लेबर पहले से 40 था अब 70 हो गया, तो 30% 40 70 30 सही है सर. ऑलराइट, देन यू गो टू स्टेप नंबर टू, your statement showing cost per unit, material, labor, overhead, total cost, equivalent production cost per unit. It means total cost 3150, 4500, 2250, 1050, 1125 and 1125. It means 3150 divided by 1050 is 3. 4500 divided by 1125 is 4, and 2250 divided by 1125 is 2250 divided by 1125 is. सही है सुनो, ये आपका करेंट प्रोडक्शन है और ये करेंट प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने इतना खर्चा किया है, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट. हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बोलो, कॉस्ट पर यूनिट. देन स्टेप नंबर थ्री, सिंपल वैल्यूएशन ऑफ, इट मींस स्टेप नंबर थ्री, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग valuation of output and we are going by LIFO method. Finished goods quantity, cost per unit, total बराबर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 1050 इंटू व्हाट इज द रेट, 342 इंटू ये अपना क्या हो गया, फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स वन. देन यू गो टू finished goods 2, material, labor, overhead. तो material तो उसमें लगेगा ही नहीं 2 में, you take the opening cost 50 into 4 is 200, 50 into 4 200 and 30 units
4 एंड 2, 120, 60, 380, 1050 इंटू 3, 150, 1050 इंटू 4, 4200, 1050 इंटू 2, 2100, सो 3150 प्लस 4200 प्लस 2100 इज 9450, सो टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इट मीन्स 1 प्लस 2, दिस इज 2, दिस इज 1, 9450 प्लस 380 इज 9830. देन क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, मेटेरियल लेबर ओवर है, मेटेरियल तो लगा नहीं, एक द ओपनिंग कॉस्ट 150 इंटू 4 600, देन लेबर, लेबर 45 यूनिट्स, 45 यूनिट्स क्योंकि पहले से कंप्लीट था, पहले से कितना कंप्लीट था 40, लास्ट में हो गया 70, 30% ऑफ 150 45 इंटू 4 इंटू 2, इट मीन्स 45 इंटू 4 180, 45 इंटू 2 90, 600 प्लस 180 प्लस 90 इज 870. सही है सुनो फ्रेंड्स, 870. फाइनली आपका क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4, एंड दिस इज योर प्रोसेस अकाउंट. ओके, टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, टू मेटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड. ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 200, 800, 3150, 4500, 2250 बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, और इसको ब्रैकेट में लिख दे, तो ये फिनिश गुड्स हमारा कहाँ जा रहा है, इन नेक्स्ट प्रोसेस, राइट. इट मीन्स 1100, 9830 बाय क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, दिस इज 10, एट हंड्रेड, 3150, 4500, 2250, 10700. क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 150, 870, 9830 प्लस 870 इज 10000. ओके, सही है, समझ गया. तो ये आपको मैंने क्या बताया कि दिस इज योर लीफो मेथड, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट. अब मैं आपको बता दूं कि लीफो मेथड कहां पे नहीं लग सकता करके, ना आप आ जाइए, जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 42 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 7.25 एंड दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक। अब इसको लिफो से हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताता हूं आपको। हर सम लिफो से नहीं होगा, हर क्वेश्चन लिफो से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वही तो आपको समझना है ना। लोग तो सिखाते ही नहीं लिफो मेथड, बोलते है ही नहीं एग्जाम में। अरे भाई मॉड्यूल तो देख, मेटेरियल का टॉपिक तो देख, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टॉपिक तो देख, इज देयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा लिफो कहां नहीं लग सकता करके ना, ये तो जादू है ना। इससे पता चलेगा यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग राइट। एग्जामिनर बोलेगा अरे बाबा आई डोंट वांट टू चेक योर कॉपी, आई विल गिव यू आउट ऑफ 100 100। आर यू गेटिंग? कैसे देखो जरा ना, क्वेश्चन नंबर 5 ओपनिंग डब्ल्यू आई पी अपने को दे रखा 2000, मेटेरियल 100%, लेबर 60%, ओवरहेड 60%, इंट्रोड्यूस किया है 8000 यूनिट्स, उसमें से 8000 नेक्स्ट प्रोसेस में गया है फिनिश गुड्स बन के, और 2000 आपका क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है। आप देखो जरा, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 2000 यूनिट्स, मेटेरियल 100%, लेबर 60%, ओवरहेड 60%, उनका कॉस्ट अपन को दे रखा है 5000 3000 1500, यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया है 8000 बराबर, उसमें से क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है आपको देर आर 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस एट द स्टेज है 100 50 एंड 50। अब आप आ जाइए, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है आपका 8000, द प्रोसेस कॉस्ट आउटपुट ट्रांसफर इन दिस इज इट मीन्स फास्ट वर्किंग नोट नंबर 1 ध्यान से सुनना, आपको क्लियर होगा तभी। विच मेथड वी आर फॉलोइंग इज ए लीफो, क्यों लीफो मेथड नहीं लगेगा वो जरा समझिए। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, वॉट इज द ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज 2000 यूनिट्स, और आप बोल रहे हो कि मेरा मेटेरियल लेबर ओवरहेड 100 60 एंड 60। ठीक है मान ली बात, ओके। इनपुट इनपुट है आपका 8000 यूनिट्स, मिलके क्या हो जाएगा 10000 यूनिट्स, फिनिश्ड गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है 2000 फिनिश गुड्स है, ये पूरा की पूरा यहां से निकल जाएगा बिकॉज द मेथड इज लिफो। इट मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 100% 100%, ये क्लियर हुआ है। ये पूरा की पूरा तो चला गया 8000 यहां से चला गया निकल गया, अब बचा ये 2000। अब ये क्या बोल रहे हैं, हमारा मटेरियल लेबर ओवरहेड 100 50 एंड 50। अब ऐसा कैसे हो सकता है आप मुझे बताओ, पहले से मटेरियल 100 कंप्लीट था अभी भी 100 मान लिया, पहले से कंप्लीट 60 था अभी 50 कैसे हो जाएगा? पहले से यही तो आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बनेगा बिकॉज द लीफो इज अ मेथड ना। अरे लीफो मेथड है ना, तो यही तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बनेगा आपका 2000। ये 2000 पहले से बोल रहा है कि पहले आप बोल रहे हो कि मेरा सर काम कंप्लीट हो गया 100 60 60, एंड में आके आप बोलते हो 100 50 50। इसका मतलब इन दिस केस योर लिफो मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। फ्रेंड्स चैलेंज है, ओपन चैलेंज, अगर इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दे। तो मैंने आपको क्या लिखा है, इन दिस केस लिफो मेथड इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज कंपेयर टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी योर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कंप्लीशन परसेंटेज इज लेस। क्या लिखा है मैंने आपको पेज नंबर 7.25 पे, देखो मेरा एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन बुक में, सॉल्यूशन बुक 7.25 नोट, इन दिस केस लिफो मेथड इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज कंपेयर टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कंप्लीशन परसेंटेज इज लेस। कंपेयर टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी योर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कंप्लीशन परसेंटेज इज लेस। लिफो इज ओनली एप्लीकेबल कंपेयर टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी योर कंप्लीशन परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इज सेम
और इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर ये बोलता कि भाई हमारा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का, जैसे इसने बोला है कि क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है 2000 और कंप्लीशन परसेंटेज है 100-50-50, उसकी जगह अगर ये बोलता कि क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का कंप्लीशन परसेंटेज है 100-60-60, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे? अगर ये बोलता है कि मेरा जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है उसका कंप्लीशन परसेंटेज है 100-60-60, तो हम यहाँ पे क्या लेते थे? मेटेरियल लेबर ओवरहेड नील नील नील, पहले से 100 था अभी भी 100 है नील, पहले से 60 था अभी भी 60 है नील, पहले से 60 था अभी भी 60 है नील। या वो बोलता है कि ये जो परसेंटेज है क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का जो आपको परसेंटेज दे रखा ना, अगर वो बोलता एक सिचुएशन मेटेरियल लेबर ओवरहेड 100-60-60, तो यहां पे नील नील। या सपोज वो बोलता कि ये जो परसेंटेज है मेटेरियल लेबर ओवरहेड 100-70-70, तो आपका क्या आ जाएगा? नील। 100-100 नील, ये आपका हो जाएगा 10%। लेकिन यहां पे उसने क्या बोला है? यहां पे वो अपने को बोल रहा है कि भी 100 मेटेरियल 100 लेबर 50 ओवरहेड 50, तो कम कैसे हो सकता है? कम कैसे हो सकता है? इसका मतलब लीफो इज नॉट एप्लीकेबल। आया? से नाइस, से राधे राधे, मजा आ रहा है फ्रेंड्स। सो लीफो इज नॉट एप्लीकेबल, लीफो इज नॉट एप्लीकेबल इफ कंपेयर टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी योर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी परसेंटेज इज डिक्रीजिंग। लीफो इज ओनली एप्लीकेबल इफ कंपेयर टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कंप्लीशन परसेंटेज सेम और इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। उसके बाद मैं आपको लेता हूं इफ सपोज देयर इज ए वेटेड एवरेज। ओके, अगर वेटेड एवरेज होगा तो अपन को क्या करना है? थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल राइट।